आज मेरी नींव बहुत मजबूत है, रवि शर्मा की नींव बहुत मजबूत है, और इस मजबूत नींव का कारण है कि आज मेरा बिजनेस किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी चैलेंज के अंदर, कैसा भी चैलेंज आ जाए, डाउन नहीं जाएगा, गिरेगा नहीं। आज मैं परेशान नहीं होऊंगा, मेरी फैमिली परेशान नहीं होगी, चाहे इनकम से हो चाहे बिजनेस से हो, बिकॉज ऑफ नींव मजबूत हो गई। इसलिए मेरे दोस्तों टारगेट सेट होकर अपने टारगेट्स पर काम कीजिए। आज मेरे फादर नहीं है लेकिन मेरी लाइफ स्टाइल बदल गई, और जो बिजनेस मेरे पास आया, देखिए मेरे पास उस समय दो बिजनेस आए थे, पहला सरकारी नौकरी और दूसरा आरसीएम बिजनेस। मेरे फादर एक्सपायर हुए तब, क्योंकि वो चलकर गए थे हॉस्पिटल एंड उनकी डेड बॉडी 5 दिन में आई थी। डॉक्टरों ने जो भी रहा एंड बहुत बुरा वक्त था वो मेरे परिवार का, मेरी फैमिली का, मैं उसको याद नहीं करना चाहता ज्यादा, क्योंकि याद करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी सी भावनाएं अलग हो जाती है। वक्त था, वो दौर था, वो निकला एंड मैं 2012 में बिजनेस में एंटर हुआ। मैं जब एंटर हुआ तो मेरे साथ चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि लोगों ने बोल तो दिया था कि रवि शर्मा यू आर ए स्टार डायमंड एंड सबसे बड़ा पिन आपके पास है, सबसे बड़ा इनकम आपके पास है, अब आपको स्टेज पर बोलना है। लेकिन रवि शर्मा तो इतना क्योंकि स्टेज पर ज्यादा जाता अनुभव नहीं था, ज्यादा गया नहीं था एंड कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक सोच थी कि यार इनकम तो आ रही है। अब मेरे पास यहाँ पर दो रास्ते हो रहा है, एक रास्ता आया सरकारी नौकरी का, एक रास्ता आया आरसीएम बिजनेस का। देखिए मैं, मेरे प्रॉब्लम है, मैं हमेशा छोटी छोटी चीजों को से सीखता हूँ, छोटी छोटी चीजों पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करता हूँ, बड़े बड़े आंकड़े ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अगर आपने छोटी छोटी चीजों पर फोकस किया ना, बड़े बड़े आंकड़े ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की है, इंडस्ट्री 2037 में बीसीजी बोलते हैं कुछ भी होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उसमें हमारा हिस्सा कितना है। आज यहाँ पर मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, 100 पीपल, ये आप 100 लोगों में से आपका हिस्सा कितना है, आप उस इंडस्ट्री के अंदर अपना हिस्सा कितना रखना चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कभी भी ध्यान नहीं दिया इंडस्ट्री कितनी बड़ी, मैंने हमेशा ध्यान दिया कि रवि शर्मा कितना बड़ा हो सकता है। मेरा टर्नओवर अगर 100 करोड़ का है तो उसको 200 करोड़ कैसे करना है, 200 को 400 कैसे करना है, क्योंकि मुझे मेरी टारगेट से, मेरे लोगों से मुझे काम करना है, मेरी टीम के ऊपर मुझे वर्क करना है, मुझे अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना है। और जिस दिन आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चालू कर देंगे, आपकी इंडस्ट्री, आपके लोग ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे।